पीरियड्स के टाइम पे गर्ल्स की बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए गर्ल्स जो भी पीरियड का नाम सुनती है ना, उनको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और वो पहले से ही घबरा जाती है यार कि अब फिर से पीरियड आने वाले हैं, फिर से वही दिक्कतें होने वाली हैं। और ये सोच सोच के आधी तो वो टेंशन में ऐसे ही आ जाती है। बेसिकली पीरियड्स के टाइम पे ना हमें पीरियड पेन बहुत ज्यादा होता है, कई बार बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, हमें स्टेनिंग की भी टेंशन रहती है कि कहीं हमारे कपड़े गंदे ना हो जाएं, और इसके अलावा भी बहुत सारी टेंशन रहती है, हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। सो बेसिकली आज मैं आपको इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाली हूँ। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इसके साथ फटाफट से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो पीरियड में सबसे पहली दिक्कत जो होती है ना, वो है पीरियड क्रैम्प्स की या पीरियड पेन की। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि कई बार हमें बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, इसकी वजह से भी पीरियड पेन होता है। और कई बार उस टाइम पे क्योंकि आपका जो एक ओवम है ना, वो ब्रेक डाउन हुआ है और ब्रेक डाउन होकर ब्लड के फॉर्म में बाहर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से कोई चीज ब्रेक होके आ रही है, तो डेफिनेटली आपको पेन तो होगा ही। लेकिन इस टाइम पे अगर आपको पेन होता है ना, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सिंपल सिंपल टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप यूज करते हो तो आप इस पीरियड पेन को अपना अप्रोक्सीमेट 90% तक कम कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियड पेन को कम करने का सबसे जो इजी तरीका है ना, वो है हॉट वाटर बॉटल। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, नियर अबाउट 100 टू 150 की रेंज में मिल जाती है। दो टाइप की होती है, एक में आप सीधा गर्म पानी डालोगे, उसको बंद करते हो और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और आती है जिसको आप चार्ज कर सकते हो और वो बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। जनरली जो चार्जिंग वाली है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उससे बिल्कुल ही मिनटों में गर्म हो जाता है, नहीं तो आपको पानी गर्म करना पड़ेगा, फिर पोर करना पड़ेगा, कई बार पानी गिर जाता है, तो वो दिक्कतें नहीं होगी। सीधा आप प्लग में लगाओ, साथ ही वो गर्म हो जाएगी, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। अब यूज कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना, आपने बॉटल जैसे ही वार्म हो जाएगी उसके बाद जहां जहां आपको पीरियड क्रैम्स हो रहे हैं, मतलब अपने बेली एरिया पे, उसको आपने अच्छे से जैसे मसाज करते हैं ना, वैसे अपने पेट पे अलग अलग एरियाज पे रखना है। और थोड़ी देर के लिए आप देखोगे 5 to 10 मिनट्स के लिए आप ये करो, और आप ये भी कर सकते हो कि सीधा उसको अपने बेली पे भी रख सकते हो, आप देखोगे कि आपका जो पीरियड पेन है ना, बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। सो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है आपके पीरियड्स पेन को या पीरियड क्रैम्प्स को कम करने का। दूसरी, अगर इसके बाद भी आपको पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी मार्केट में टैबलेट आती हैं, लाइक एब्रोफिन की टैबलेट आती है, उसको आप अपटेक कर लो, उससे भी पीरियड पेन बहुत कम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप और सारी चीजें यूज कर चुके हो, होम रेमेडीज यूज कर चुके हो, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ही आप टैबलेट लो। लेकिन अगर आपका नॉर्मली किसी रेमेडी के थ्रू, लाइक हॉट वाटर बॉटल के थ्रू कम हो जाता है, या भी मैं आपको एक काढ़ा बताऊंगी उसके थ्रू कम हो जाता है, तो आपको टैबलेट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड्स क्रैम्प को कम करने का सबसे आसान तरीका एक ये भी है कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर लें। जितना आप ज्यादा गर्म पानी पियोगे ना, आप देखोगे कि आपके पीरियड क्रैम्प्स भी कम हो जाएंगे और जो आपका ब्लड का फ्लो है ना, वो भी अच्छा रहेगा। और अगर आपकी ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका पीरियड का ब्लड बहुत जल्दी बाहर रिमूव हो जाएगा और आपके जो पीरियड्स है ना, ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे, लाइक 7 डेज नहीं चलेंगे, वो मैक्सिमम 3 to 4 डेज में ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पीरियड का फ्लो अगर अच्छा रहेगा या आपकी बॉडी से पूरी तरह से वो ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो आपको पीरियड में भी आराम मिलेगा और डेफिनेटली आपको ये भी होगा कि आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो भी छोटी हो जाएगी। पीरियड्स के टाइम पे हमें एक और चीज बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है, वो है आप गर्म पानी में बैठ जाओ। आप 5 to 10 मिनट्स के लिए गर्म पानी में बैठ जाओ आराम से। उससे क्या होगा कि जब आप गर्म पानी में सेट होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके उस एरिया को एक तरह से सेक मिलता है जहां से आपकी ब्लीडिंग हो रही है, लाइक वजाइना एरिया को एक तरह से सेक मिलता है, तो आपको भी कंफर्टेबल लगेगा और आप देखोगे कि इससे भी आपके पीरियड क्रैम्प्स काफी हद तक कम हो जाएंगे और आपका जो पीरियड फ्लो है वो भी बहुत हद तक मेंटेन रहेगा। इसके अलावा अगर पीरियड क्रैम्प्स आपको बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप घर में एक काढ़ा भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप 2 ग्लास पानी ले लो, उसमें आप 1 चम्मच अजवाइन डालो, 1 चम्मच मीठी सौंफ, 1 चम्मच आप जो कौड़ी सौंफ आती है वो डालो। इसके अलावा गुड़ डाल सकते हो, अगर आपने चीनी डालने का दिल है तो वो भी डाल सकते हो। उसके बाद इसको आप अच्छे से काढ़ दो, और जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी है ना, वो हमने अराउंड हाफ करनी, मतलब अगर आपने 2 ग्लास पानी लिया है तो उसको 1 ग्लास होने देना, और जैसे ही वो 1 ग्लास हो जाएगा उसके बाद आप उसको गरम गरम पियो धीरे धीरे करके, जैसे चाय पीते, और आप देखोगे यार कि आपके जो बेली है ना, उसको बहुत रिलैक्स कर देगा, आपके पीरियड क्रैम्प्स को भी बहुत जल्दी कम कर देता है, मिनटों में आपके पीरियड क्रैम्प्स गायब हो जाएंगे। सो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है और आपके पीरियड फ्लो को भी काफी अच्छा करती है, इसलिए डेफिनेटली आपको ये भी ट्राई जरूर करना चाहिए अपने पीरियड्स के टाइम पे।
अब दूसरी जो बहुत बड़ी दिक्कत होती है पीरियड्स के टाइम पे, वो ये है कि हमें ज़्यादातर क्या डर रहता है कि हमारे जो कपड़े हैं ना उनमें स्टेन लग जाएगा या वो गंदे हो जाएंगे। तो उसके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आप डार्क कलर के कपड़े पहनो, लाइक ब्लैक कपड़े पहन सकते हो या ब्लैक कलर के जो भी अंडर गार्मेंट्स हैं वो भी पहन सकते हो। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के कलर्स लाइक ब्लू पहन सकते हो, जो भी डार्कर कलर्स होते हैं उनको आप पहन सकते हो, जिसमें अगर बाई चांस आपका थोड़ा बहुत ब्लड लीक भी हो गया तो आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना हो। और सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई है। क्योंकि यार ये तो मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल लगता है ना, जितना मैं बता ही नहीं सकती आपको। मेंस्ट्रुअल कप जैसी तो कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप मेंस्ट्रुअल कप अगर यूज़ करोगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके कपड़ों में स्टेन लग गया कि नहीं लग गया। दूसरा, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप रनिंग नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। इसके अलावा सोते टाइम कई बार क्या होता है, लड़कियां बिल्कुल सीधी सोती हैं जब पैड्स वगैरह लगाती हैं कि यार कहीं इधर उधर स्टेन ना लग जाए। तो जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करोगे तो ये भी टेंशन खत्म हो जाती है। तो आप देखो कि यार आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल कप से खत्म हो सकती है। दूसरी, अगर आप स्विमिंग करते हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करो। या सो बेसिकली पीरियड के टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत तो होती है लड़कियों को, लेकिन ये एक बहुत मेजर प्रोसेस है हमारी बॉडी का और इसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हमें इससे रिलेटेड दिक्कतों को कम करने की डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बार बार आएंगे तो मुझे बार बार दिक्कत होगी, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होगी ही होगी। और अगर ये नहीं होगी ना तो आपकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और दूसरी, मैंने जो भी ये टिप्स बताई है ना आपको, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपकी पीरियड की जितनी भी दिक्कतें हैं या पीरियड क्रैम्प्स हैं या आपको लगता है कि स्टेन लग सकता है, ये सारी दिक्कतें ना मिनटों में खत्म हो सकती है। इसलिए एक बार आप डेफिनेटली इन सब मेरी टिप्स को ट्राई जरूर करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, बाय बाय।